भारत को महाशक्ति बनते देखना चाहता है दोस्त रूस। भारत के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाके एमका को देख रहे हैं पुतिन। इंजन के ना होने से एमका फाइटर जेट में हो रही दिन प्रतिदिन लेट। अब रूस ने भारत को दिया एमका विमान पर पहली बार बड़ा ऑफर। विश्व का सबसे ताकतवर 176 केएन थ्रस्ट का इंजन देने को तैयार है रूस। आप ये तो देख ही रहे हैं कि भारत लगातार अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। तेजस फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन में बवंडर इजाफा हो रहा है। एक तरफ भारत तेजस का प्रोडक्शन खुद की जरूरतों के लिए भी बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस के खरीदार देश एक बाद एक भारत को दनादन ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि भारत इस फाइटर जेट की कीमत अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है, और उससे पहले ही अमेरिका से लेकर नाटो देश भारत के तेजस को खरीदने के लिए भारत के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसलिए भारत तेजस मार्क 1 के बाद इसका अगला वेरिएंट तेजस मार्क 1 अल्फा को भी उतार रहा है, और जल्द 1-2 महीने में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं भारत को एक चीज की टेंशन और है, और वो टेंशन है चीन द्वारा पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ तकनीक वाला फाइटर जेट J-31 देना। पाकिस्तानी पायलट तो चीन में इस विमान को उड़ा भी रहे हैं, लिहाजा भारत अब इसकी काट के लिए 2 फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। पहला है तेजस मार्क 2 और दूसरा है सुपर सुखोई। आप सवाल कर सकते हैं कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों भारत अपने एमका को रफ्तार नहीं दे रहा है? तो इसका कारण है इंजन। भारत के पास एमका के लायक अभी तक इंजन नहीं है। अमेरिका से भारत ने जी कंपनी का F414 इंजन देने की बात की थी, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस मामले को लटका कर रखा है। हाँ, लेकिन अमेरिका तेजस मार्क 1 के लिए F404 इंजन जरूर डिलीवर कर रहा है। लेकिन बात तो एमका के इंजन की है, जो भारत के लिए काफी अहम है। भारत इसके लिए अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस से भी बात कर रहा है। भारत का दोस्त रूस भी इस मामले को देख रहा है, और रूस को यह भी पता है कि भारत के पास 5वीं पीढ़ी के विमान के लायक इंजन ना होने की वजह से एमका फाइटर जेट लेट हो रहा है, और ये इतना ज्यादा लेट हो रहा है कि ये भारतीय वायुसेना में 2035 तक तैयार हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अब दोस्त रूस की तरफ से एमका के लिए विश्व के सबसे ताकतवर इंजनों में शुमार शक्तिशाली इंजन देने का ऑफर दिया है। अगर आपको इस इंजन की पावर बताए तो भारत को 110 से लेकर 120 केएन थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए, लेकिन रूस वाले इंजन की थ्रस्ट पावर 176 केएन है, जो अप्रत्याशित है। चलिए आपको इस पूरी खबर को करीब से बताते हैं, और रूस के इस ऑफर के बाद भी भारत रूस से ये इंजन लेने से क्यों पीछे हट रहा है, ये पूरी खबर हम आपको बताते हैं। एमका फाइटर जेट को उड़ाने रूस ने कर डाला ऐलान। रूस तैयार है अपना शक्तिशाली इंजन भारत को देने के लिए। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास में तेजी ला रहा, जिसे हम एमका के नाम से भी जानते हैं, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये जेट भारत के रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। लेकिन इस पूरी परियोजना में जो सबसे अहम चीज है, वो है इसका इंजन। भारत ने अपने अहम के इंजन के लिए 2025 की समय सीमा तय की है, और इसे लेकर भारत के संभावित साझेदारियों की लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन रूस का नाम शामिल नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि भारत इस लिस्ट में अपने सबसे पुराने मित्र रूस का नाम शामिल नहीं कर रहा है। ये वही रूस है जिसने दशकों से भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और तकनीक दी है, और आज भी भारत की सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा रूसी हथियारों पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अहम फाइटर जेट की। ये जब भारत की वायु सेना के लिए एकमात्र पूरी परियोजना है, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसमें अत्याधुनिक पिस्टल तकनीक होगी, जिससे ये दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आएगा। लेकिन एक फाइटर जेट की असली ताकत इसके इंजन में होती है। जितना बेहतर इंजन, उतनी ज्यादा गति, पेलोड क्षमता और दुश्मन पर तेज और सटीक हमला करने की क्षमता होती है। इसलिए एमका के लिए सही इंजन का चुनाव करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये आता है कि रूस, जो भारत का सबसे पुराना और बड़ा रक्षा सहयोगी है, वो इस सूची से कैसे बाहर है और क्यों बाहर है? दरअसल रूस का दावा है कि वो भारत को पश्चिमी देशों की तुलना में बेहतर इंजन दे सकता है। रूस ने यह भी कहा है कि वो भारत को 176 केएन थ्रस्ट वाला इंजन उपलब्ध करा सकता है, जो कि अमेरिकी F-35 से लाख गुना अच्छा है। लेकिन भारत के एमका फाइटर जेट को 110 केएन थ्रस्ट वाले हल्के इंजन की जरूरत है,
रूस का इंजन भले ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वे भारी होते हैं, जो कि भारत की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि एमका में दो इंजन होंगे, जिससे इसकी पेलोड क्षमता पहले से ही काफी अधिक होगी। इसलिए भारत को ऐसे इंजन की जरूरत है जो हल्का हो और उसके पेलोड और फ्यूल क्षमताओं को प्रभावित ना करे। अब अगर भारत रूस का इंजन लेता है तो फिर रूस के दो शक्तिशाली इंजन को एमका में लैस करेंगे तो ये फाइटर जेट इतना भारी हो जाएगा कि ना तो ज्यादा रफ्तार ले पाएगा और ना ही बाकी हथियार कैरी कर पाएगा। अगर भारत रूस का इंजन इस्तेमाल करता है तो फिर एमका में एक ही इंजन लगेगा, और ऐसा भारत कर नहीं रहा है। भारत इसमें दो इंजन लगाने वाला है। यही कारण है कि भारत रूस के ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने 2025 अपने अहम फाइटर जेट के लिए इंजन साझेदार को फाइनल करने की योजना बनाई है। ये समय सीमा बहुत अहम है, क्योंकि भारत इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, ताकि वो अपने फाइटर जेट की ताकत को और बढ़ा सके। वैसे भले ही एमका के तैयार होने में समय लग रहा हो, लेकिन जब भी ये फाइटर जेट तैयार होगा, दुनिया में भूचाल ला देगा। कहां तो ये भी जा रहा है कि ये फाइटर जेट पांचवी नहीं छठी पीढ़ी का योद्धा होने वाला है। छठी पीढ़ी की तकनीक से लैस होगा एमका। दो दो वर्जन के साथ उतरने वाला है एमका स्टील्थ विमान। आपको बता दें कि एमका फिफ्थ जनरेशन मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे 2035 तक भारतीय वायुसेना को सौंपने का टारगेट सेट किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक में होगी, यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये एयरक्राफ्ट चाहे तो भारत से यूएई के बीच की दूरी महज एक घंटे में तय कर सकता है। एक बार अपने फुल फ्यूल टैंक के साथ यह एयरक्राफ्ट 3240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर तक रहेगी। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन सेना के एयरबेस, उनके ऑपरेशन फैसिलिटीज और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसमान से बरसने वाली आग की तरह दुश्मन के खेमे को नेस्तनाबूद कर देगा। एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट पोर्ट भी होगा, जिसमें अस्त्र जैसी हवा से हवा में मार करने वाली और रुद्रम जैसी एयर टू सरफेस मिसाइल होगी। इस एयरक्राफ्ट में DRDO द्वारा डेवलप सुदर्शन लेजर गाइडेड मोड भी होगा, जो 100% प्रिसिजन के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। यानी कि दोस्तों, एमका एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट की मदद से अलग अलग तरह के मिशंस को अंजाम दिया जा सकेगा। एमका की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये एयरक्राफ्ट स्केल्ड मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो बचपन में आपने वो निंजा कार्टून तो जरूर देखा होगा, जहां निंजा वॉरियर दबे पांव बिना कोई आवाज किए, बिना दुश्मन की नजर में आए किसी भी घर में घुस जाते थे। स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी निंजा वॉरियर्स के इसी एक्शन की तरह है, जहां किसी एयरक्राफ्ट ड्रोन या सबमरीन को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो बिना किसी की नजर में आए दुश्मन सेना के इनर बेस में घुसकर वार कर सकता है। एमका को कुछ ऐसे ही डेवलप किया जाएगा कि वो एयरक्राफ्ट लोअर रेडार प्रोजेक्शन और सुपर क्रूज फैसिलिटी से भी लैस होगा। दोस्तों, सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो एबिलिटी होती है, जहां एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। बेसिकली आफ्टर बर्नर एयरक्राफ्ट में मौजूद एक ऐसा टूल होता है, जिसकी मदद से किसी एयरक्राफ्ट को स्पीड ऑफ साउंड से तेज उड़ाया जा सकता है। लेकिन आफ्टर बर्नर को यूज करने के बाद उसके एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंजप्शन रेट भी बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 7 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनमें ये कॉम्प्लेक्स सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी मौजूद है, और 8वां भारत का एमका होगा।